अपूर्वा छत्तीसगढ़ के सुपर फाइव खबर में आप मन के स्वागत हवे। एमा हमन देखबन छत्तीसगढ़ में दिन भर के टॉप फाइव खबर ला। प्रदेश के संगे में ही राजधानी में बाढ़त गर्मी के सेती पानी की समस्या है दिन ब दिन बाढ़त जाते। राजधानी रायपुर में शहर वासी मन ला पानी बर हर बछर की जैसे दारी घलो परेशानी के सामना करे बर पड़त है। बीते कई बछर ले नगर निगम है अमृत योजना और नवा पाइपलाइन के तहत आम जनता तक पानी पहुंचाए के सुविधा मुहैया कराए के जुगत में लगे हुए, फिर अभी तक ले न तो अमृत योजना कारगर साबित हो पाए है और न ही 100 करोड़ के पाइपलाइन में कोनो भी काम आगू बढ़ पाए, जेकरे चलत आज शहर वासी मन टैंकर के मुहला ताकत खड़ा रही थे। एती रायपुर नगर निगम हरदारी की जैसी अदारी घलो टैंकर में पहली कटौती के बाद ला कहत रहिस, फिर जब पानी की समस्या बाढ़ी से ता 29 निजी और सरकारी तौर में 22 टैंकर कोती ले पानी की समस्या ला दूर करे के उपाय नगर निगम करे है। नगर निगम के कार्यपालन अभियंता बीएल चंद्राकर कहिस की आखिरी छोर तक पानी पहुँचाए में कई ठन तकनीकी दिक्कत आवत है, जेकरे चला टैंकर के व्यवस्था के माध्यम ले पानी की समस्या ला दूर करे के उपाय करे जाते। वह ये घलो माने है कि गर्मी ज्यादा होए के सेती बोर मन घलो सूख गए, जेकरे चलत सबले ज्यादा समस्या खड़ा हवे। शहर में सबले ज्यादा पानी की समस्या जोन क्रमांक 1 क्षेत्र में देखे जाते, जहां पानी पर लाइन लगाए जाते और टैंकर के आए के बाद पानी भरे के जद्दोजहद था घलो शुरू हो जाते, जेकरे चलत कई दारी पानी भरने वाला मन में झड़प घलो हो जाते। भीषण गर्मी में पानी की समस्या तो आम बात हो गई है, अब देखना ये हो ही कि अवैया बेरा में नगर निगम कोती ले और अच्छा व्यवस्था का होते। देश टीवी पर स्वरूप भट्टाचार्य की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की राजधानी के प्राइम लोकेशन मालवी रोड में हवे पुराना नगर निगम के कार्यालय, जिला नगर निगम जोन क्रमांक 4 और जोन क्रमांक 7 के कार्यालय बछर 2011 के बाद ले लगातार अब तक संचालित होत रही से। लगभग 12 करोड़ के लागत ले नगरी प्रशासन विभाग रायपुर नगर निगम पर नवा बिल्डिंग यानी व्हाइट हाउस के निर्माण कर ले रही से, जगर शुभारंभ तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सी पाटिल के हाथ 25 जून 2011 के हो रही से, जेमा वर्तमान में रायपुर नगर निगम के कार्य संचालित होत रही से। अब नगरी प्रशासन विभाग संज्ञान में लेके पुराना नगर पालिका भवन धरोहर के रूप में परिवर्तित करे के मंशा जता है, जेकरे पर पुराना कार्यालय में संचालित जोन क्रमांक 4 के कार्यालय ला मोती बाग के पानी टंकी के नीचे शिफ्ट करे बर जाते, तुहे जोन क्रमांक 7 ला अग्रसेन चौक में स्थित मंगलम कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट होना है। अब आप मल्ला बता दें कि मालवी रोड स्थित पुराना नगर पालिक निगम के इतिहास, मालवी रोड में स्थित निगम के पुराना दफ्तर अब केवल धरोहर के रूप में ही रह जाए, यहाँ ले शहरी विकास के 150 बछर चले आत कवायद पूरा तरह ले खत्म हो जाए। रायपुर के राजनीति के सबले बड़े केंद्र इहिला माने जाते, फिर ये दफ्तर शहर में न तो राजनीति के संचार कर पा रही न ही विकास के कोनो भी कार्य कर पाए। ये भवन ले 17 मई 1867 में नगर पालिका परिषद शुरू हुई सौ ठीक 100 बछर के बाद यानी 26 अगस्त 1967 ले यही दफ्तर में रायपुर में नगर पालिका के कार्य शुरू करेगी। देश टीवी पर स्वरूप भट्टाचार्य की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के अप्रैल 2018 के परीक्षा में काफी मन के अदला बदली के खेल में सिर्फ एक ही मामला में कार्रवाई हो पाए, दूसर मामला के आरोपी मन ऊपर अभी तक ले नकेल नहीं कसे गए। गौरतलब है कि हायर सेकेंडरी स्कूल कटघी के 12वीं के छात्रा कौशल्या सुरवानी के लिखे कॉपी ला बदल के ओकर जगह कोरा पन्ना के कॉपी ला अटैच कर दे गए रही से। 0 अंक मिले माँ जब कौशल्या शिकायत करी तोला 61 अंक दे के ओपन स्कूल पास कर दे रही से, फिर अभी तक ये मामला में आरोपी मन ऊपर कार्रवाई तक नहीं हो पाए। फिर पीड़ित छात्रा मामला में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घलो गुहार लगाए रही से कि ओकर मामला में जांच कमेटी के रिपोर्ट के आधार में तत्काल कार्यवाही ला करे जाए। एती ओपन स्कूल के प्रस्ताव शिक्षा विभाग एक ही जैसे प्रकरण में कसडोल मिनीमाता कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल ले केंद्राध्यक्ष स्कूल के प्राचार्य और सहायक केंद्राध्यक्ष ला निलंबित कर दी। ओपन स्कूल के सचिव वीके गोयल जानकारी देते हुए बताया कि शासन ला कार्रवाई बल लिखे गए हैं, एक में कार्रवाई हो गए है और दूसर में कार्रवाई की प्रक्रिया भी चलत हवे। ओपन स्कूल के सचिव माने हवे कि शासन कोती ला मामला की कार्रवाई में थोड़कीन देरी जरूर हुआ थे और रिमाइंडर दे के बात ला घलो कहिस, एकर से साबित हो जाते कि मामला में विभाग गंभीर नहीं है। एक कोती मामला में घिरे 2 केंद्र के अध्यक्ष और सहायक केंद्र अध्यक्ष मनु पर कार्रवाई करके दूसर ऊपर अभी तक ला कार्रवाई नहीं कर पाए, जेह समझ ले परे हवे। देश टीवी पर स्वरूप भट्टाचार्य की रिपोर्ट।
ढाई घंटा के बेरा के बाद आखिरकार डॉक्टर पुनीत गुप्ता ह अपन बयान ल दर्ज कराए बर थाना नहीं पहुंचिस। डीकेएस अस्पताल घोटाला म जांच करत एसआईटी ह आज पुनीत गुप्ता ल तलब करे रहिस हे, फिर वो ह गोल बाजार थाना म आज घलो हाजिर नहीं हुई। एसआईटी कोती ले पुनीत ल ये दूसरा मौका दे गए रहिस हे, ओला नोटिस जारी कर बुलाए गए रहिस हे, फिर वो हाजिर नहीं हुई। अब तीसर दारी एक घाव फिर एसआईटी ह नोटिस जारी करके डॉक्टर पुनीत गुप्ता ल तलब करे के तैयारी में है। इधर पहली बिहानिया 11 बजे डॉक्टर गुप्ता ल एसआईटी ह बयान दर्ज कराए बर गोल बाजार थाना आए के नोटिस जारी करे रहिस हे। जांच टीम ह बिहानिया 11 बजे ले गोल बाजार थाना में पहुंच गए रहिस हे, फिर अगोरा करत करत ढाई घंटा ले ज्यादा के बेरा गुजर गए, फिर डॉक्टर गुप्ता ह थाना नहीं पहुंचिस। ढाई घंटा के बाद करीब टीम ह 1:30 बजे वापस लौट गए। एती जांच अधिकारी है बताई इसके तीसर दारी नोटिस जारी करे जाए, संगे में ही जमानत के सरतला घलो देखे जाए। अवैया हफ्ता एक घंव फिर डॉक्टर पुनीत गुप्ता ला बयान दर्ज कराए बर तलब कराया जा सकत है। छत्तीसगढ़ राज्य के पहली सरकारी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल डीकेएस में 50 करोड़ रुपया के उपकरण खरीद घोटाला में तत्कालीन अधीक्षक डॉक्टर पुनीत गुप्ता पर मामला दर्ज हो रही से। लगातार नोटिस के बाद घलो डॉक्टर पुनीत गुप्ता के हाजिर नहीं हुए में पुलिस और खिलाफ लुकआउट सर्कुलर घलो जारी कर दी। गौरतलब है कि स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव एपी त्रिपाठी के नेतृत्व में बने तीन सदस्य टीम ह 9 अलग अलग बिंदु में जांच करा थी। स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव के मोटवानी के आदेश ले जांच के आदेश जारी हो रही से। देश टीवी पर निखिल विश्वकर्मा की रिपोर्ट। जगदलपुर मालंगीर एरिया कमेटी के सदस्य ला कोसी उर्फ मांगली ला पुलिस ह गिरफ्तार करे है। एकर ऊपर कई ठन गंभीर मामला दर्ज हवे, जेमा पुलिस कर्मी मन के हत्या, लूट, आगजनी और चुनाई के बेरा मा ईवीएम लूटे जैसे कई घटना शामिल रही से। पुलिस ह मालंगीर एरिया कमेटी के सदस्य कोसी ला तालापारा अरनपुर इलाका ला गिरफ्तार करे। छत्तीसगढ़ सरकार ह एकर ऊपर 5 लाख के इनाम घोषित करे रही से। बछर 2011 रले के अब तक संगठन में सक्रिय भूमिका निभाने वाली मंगली हा कई वारदात में शामिल रही से। बछर 2013, 14 और 2015 में नक्सली संगठन के दूसर सदस्य मल लीड करत हुए महिला नक्सली हा पुलिस पर कई हमला करे हैं। बहुत से थाना में महिला नक्सली के खिलाफ कई ठन गंभीर मामला दर्ज हवे, इधर गिरफ्तारी पुलिस ला एक बड़े कामयाबी हाथ लगे है। मंगली हा ज्यादातर नीलवाया ब्ररेम के जंगल में सक्रिय रही से। 12 बोर के बंदूक चलाए में माहिर मंगली संगठन के बड़े पद के तैयारी करत रही से। ओकर ले पहली पुलिस वाला गिरफ्तार कर ली। ब्यूरो देश टीवी। तो छत्तीसगढ़ के टॉप 5 खबर में अपडेट पाए बर हमारे यूट्यूब चैनल ला सब्सक्राइब करो और हमारे फेसबुक पेज ला घलोक लाइक करो। जय जवाहर। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।